What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from tradingfab.in. आज 2 दिसंबर 2019 मंडे है, सुबह के 8:05 हो रहे हैं। नया मंथ शुरू हो रहा है, पहला दिन है इस हफ्ते का। लास्ट वीक हमने देखा निफ्टी इंडेक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, नया हाई निफ्टी इंडेक्स ने अचीव किया था, लेकिन फ्राइडे को एक जबरदस्त करेक्शन, एक प्रेशर देखने को मिला। तो निफ्टी एज पर वीकली चार्ट फर्स्ट टाइम 12,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो इस वीक में निफ्टी कहां तक और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, या फिर अगर करेक्शन होता है तो कहां पर नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले ये फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 29 नवंबर, आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,159 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,124। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी ओपन होने के बाद टुवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और हमारा ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 12,114 ये यहाँ पर अचीव्ड हुआ। उसके बाद सेकेंड टारगेट 12,099 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ और इसको ब्रेक करने के बाद निफ्टी इंडेक्स और भी तेजी से टुवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ। तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 16 पॉइंट का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात भी देख लेते हैं। फ्राइडे को डाउ जोन्स, नासडैक लाल निशान में बंद हुए थे। यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसके ऊपर जो टेबल के ऊपर बातचीत चल रही है उसमें से और भी डिले हो रहा है ये टैरिफ वॉर क्लोज होने में, तो वहां पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है बार बार। और यूरोपियन मार्केट देखे तो वहां पर भी इसका असर देखने को मिला फ्राइडे को, वहां पर भी प्रेशर के साथ यूरोपियन बाजार बंद हुए। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो थोड़ा सा तेजी देखने को मिल रहा है फ्राइडे के एक डाउनफॉल के बाद। निक्केई, चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट तीनों भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर इस समय 78 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी हल्के से कमजोरी के साथ, प्रेशर के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। नया मंथ शुरू हो रहा है इसलिए मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। एक बार मंथली चार्ट, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में भी क्या स्ट्रक्चर बन रहा है इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये मंथली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो इंडिकेटर है मैगडी लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में जबरदस्त ये हमें सिग्नल्स देता है अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड के। मैगडी के हिसाब से अभी भी आप देख सकते हैं मैगडी अभी इस समय ये पॉजिटिव क्रॉसओवर देने के इरादे पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक ये निगेटिव यहाँ पर जोन में ट्रेड कर रहा है मैगडी। नीचे आरएसआई देखे, आरएसआई ये 50 मिड लाइन के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है और एवरेज लाइन को कट करके ऊपर की तरफ ये मूव करने की कोशिश कर रहा है। जो ये जो लोअर हाइस क्रिएट हो रहे हैं इसका अगर ट्रेंड लाइन निकालें तो हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन है आरएसआई का, ये जो लोअर हाइस का ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ये एक हर्डल फेस करे। अगर इसे ब्रेक करता है तो ऊपर प्राइस एक्शन में हमें और भी तेजी ऊपर की तरफ दिखाई दे सकती है। प्राइस एक्शन ऊपर देखे, प्राइस एक्शन में तो हायर हाई हायर लोस का पैटर्न लास्ट 3 मंथ से यहाँ पर बन रहा है, यानी प्रीवियस मंथ का जो हाई और लो है इसके ऊपर नेक्स्ट मंथ का हाई और लो यहाँ पर बन रहा है। तो ये क्लियरली अप ट्रेंड का ये जो प्राइस एक्शन का मूवमेंट है ये यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। लेकिन अभी ये जो लास्ट मंथ का ये जो कैंडल बना है ये काफ़ी छोटा कैंडल बना है कंपेयर टू लास्ट 2 मंथ्स, तो हो सकता है नया लेवल्स निफ्टी इंडेक्स ने अचीव किया है तो यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रेशर देखने को मिल सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, फिर निफ्टी इंडेक्स और ऊपर की तरफ हमें मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये मंथली चार्ट के हिसाब से स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली बुलिश है, लेकिन जो अभी अप ट्रेंड में निफ्टी इंडेक्स है ऊपर के लेवल्स पे एक छोटा सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। लास्ट 3 वीक्स अगर पास्ट में अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कंटिन्यूस 2G पैटर्न बन रहा था और ये कंटिन्यू 11,872 को यहाँ पर सपोर्ट एज अ पेनेट्रेट कर रहा था और जस्ट इसके ऊपर आके ये क्लोज हो रहा था।
तो निफ्टी ने लास्ट वीक यहां से हमारा जो 100% का लेवल था 12,114 ये अचीव किया, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। हालांकि वीकली चार्ट में 12,000 के ऊपर फर्स्ट टाइम ये क्लोज हुआ है। आप देख सकते हैं इस लेवल के पास निफ्टी इंडेक्स ने पास्ट में यहां से करेक्शन दिखाया था, तो ये लेवल अभी काफी क्रुशियल हो जाता है 12,114। अगर इसके ऊपर क्लोज मिलता है तो निफ्टी इंडेक्स यहां से हमारा नेक्स्ट टारगेट 12,350 के तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ यहां से दिखाई दे सकता है। चलते हैं डेली चार्ट में। वीकली मंथली चार्ट में स्ट्रक्चर एक्सट्रीम बुलिश है, लेकिन ऊपर के लेवल्स पे हमें प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दे सकता है। यह डेली चार्ट है। डेली चार्ट में हमने फ्राइडे को यहां पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आप देख सकते हैं यहां पर ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, सिग्नल था। और नेक्स्ट डे फ्राइडे यहां पर ये बियरिश कैंडलस्टिक बना, इसका लो भी इसने ब्रेक कर दिया। सेम पैटर्न यहां पर भी बना था ये हैंगिंग मैन, दूसरे दिन यहां पर जबरदस्त बियरिश कैंडलस्टिक बना और एक करेक्शन यहां पर हमें दिखाई दिया। फिर 20 EMA के पास आते इसने सपोर्ट टेस्ट किया और फिर एक बाउंस बैक दिखाया। तो हो सकता है यहां पर भी ये करेक्शन थोड़ा और नीचे की तरफ आया और फिर एक बाउंस बैक दिखाया। तो डेली चार्ट में भी स्ट्रक्चर एक्सट्रीम बुलिश बना हुआ है, हालांकि हर एक नए लेवल्स पे हमें प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे सकती है। तो यहां पर डेली वीकली और मंथली चार्ट का हमने एनालिसिस किया। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये फिर से एक बार मूविंग एवरेज के बीच में ये ट्रैप हो चुका है। ये बियरिश कैंडलस्टिक देखे और ये लास्ट हाफ एन आवर वाला ये कैंडलस्टिक देखे, तो सेम लेवल पे इसने ऊपर की तरफ हाई बनाया है जहां पर आज पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है और 20 EMA का ये पिंक लाइन भी उसी लेवल के पास आ रहा है। तो 12,073 के ऊपर ये लास्ट जो कैंडल बना हुआ है इसका हाई है 12,075। तो ये अगर ब्रेक करता है निफ्टी आज तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,091। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 12,107। ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टुवर्ड्स निफ्टी साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहां पर आप देख सकते हैं एक अगली डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसा पैटर्न बना हुआ है। यहां से निफ्टी बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, तो इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है इस लेवल को यानी 12,030 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहां पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। आप पास्ट में भी देख सकते हैं एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आके ये यहां पर रेजिस्टेंस लेके ये टर्न हुआ था, तो जो रेजिस्टेंस का काम करता है पास्ट में वो फ्यूचर में जाके सपोर्ट का काम करता है। तो यहां पर अगर 12,030 को ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहां पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 12,015। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 11,999। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।